मॉर्निंग, वेलकम टू अनुपमास किचन। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी किचन। नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आप सभीयों को अन्नपूर्णा जी की रसोई में और हमारे यूट्यूब चैनल ये मेरी जिंदगी में। तो दोस्तों आज नाश्ते में बनी शानदार वाली खीर झुंगराल की। तो दोस्तों गढ़वाल की फेमस डिश झुंगराल की खीर और साथ में बनाया है मस्त शाही पनीर। तो अभी मजा लेंगे पनीर का और पूरियों का क्योंकि संडे है तो मौज करेंगे, रोज करेंगे मौज। अरे कहाँ हो, नाश्ता भागो बेटे पकड़। वो भैया कोई पूछो कहाँ है चिराग। अरे वाह माता कमाल, मजा आ गया, क्या बात है वाह। 5 रुपए काटो इसके ओवर एक्टिंग के। मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ। बताओ मम्मी से पूछो, अरे तारीफ नहीं करते तो मम्मी खाना कम दे दिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तारीफ करना बहुत जरूरी है अनुपूर्णा जी की। तारीफ नहीं करेंगे तो आगे से ऐसा सुंदर प्यारा नाश्ता नहीं मिलेगा। सच्ची बात है। हाँ सब लोग भी दो। गुन्नू बेटे क्या हो गया, गुन्नू आजा खाना खा ले। खाना सुनते ही तैयार है, आजा। आज इसकी शायद तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी सी, इसीलिए बैठा हुआ। अनुपूर्णा जी मेरे लिए भी लगा दो खाना। आपके लिए 7-8 पूरी रख दो। 7-8 पूरी? अबे 7-8 पूरी तो नहीं खाता यार, खाते तो ये जो आम का पौधा नहीं है सारी बोर खराब हो रही। मैंने कहा उसको ये स्प्रे बनाया था। हाँ आ जाओ डाल के आएंगे, चल तुझे भी दिखाता हूँ। एक डंडी भी देता हूँ मम्मी को। ये देखो और पिटूनिया बस लास्ट होने वाला है इसका, अभी कुछ दिन और चल सकती है, पानी डालते रहना पड़ेगा। अब सुबह मैंने तुमसे कहा था ना पानी डालने से, फिर मैंने आने के बाद पानी डाला, पता है? हाँ डाल दिया। सफलेरा सफलेरा कम और ये मैं नया लगाया है मैंने, इसका नाम बता दो क्यों पूर्णा। तो 5 रुपए नाम जल्दी बताओ। 5 रुपए किलो तो कोई भी नहीं बोले। ओवन बेलिया है वेरीगेटेड वैरायटी। और ये देखिए वाह ये भी बोगनवेलिया, यही ये भी बोगनवेलिया, यही बोगनवेलिया। और दोस्तों अभी वो आवाज़ लगा रही उधर से, चंदा आजा। ये देखो ये पूरा का पूरा ये बौर भरा हुआ था ये पूरा, इन पे हम थोड़ा छिड़काव कर देंगे। हे 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 वो लोग आए, आलू लग गए काय। अरे वाह ये देख, देखिए एक पपीता पेड़ में पकने लगा है, वाओ। और उधर वाले तो नहीं पके। बिलो ये पपीते तोड़े क्या आपने? और ये देखिए दोस्तों धनिया, वाह वाह। अरे डर गया बनी से, डर गया। आ जा देखो दोस्तों फिर से एक बार आ जा। हेलो हेलो कहते हेलो भाई, हेलो कहते हेलो। आपको पसंद आई हूँ मैं तो लाइक करें, पक्षी को खिलाऊं। गुन्नो तू भी खा ले घास। होली वाली मछलियाँ खा रहे हम, गुजिया तो फिनिश, जल्दी फिनिश हो गई।
चिरकुट इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर इधर आओ। हेलो करते जल्दी से। हेलो। आ जाओ नक्शी। व्हाट्स योर नेम? हाँ तो दोस्तों आज आरव का फ्रेंड है श्लोक। अच्छा तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? कम ऑन और तेज बॉल करो। क्यों? ताकि फूल टूट जाए। अरे तू सारी मिट्टी निकाल रही, तुम ही हो जो सारी मिट्टी उड़ा देता है। चलें घूमने। तो फ्रेंड्स अब हमारी तैयारी है घूमने जाने की। ये देखो हमारा सैलेड तैयार है। आपकी क्या क्या तैयारी हुई? अच्छा सजा रखा है। थैंक यू सबको रेगुलर के पे। यस आपकी क्या क्या तैयारी हो गई? ये कितना अच्छा दाल मखनी। वाओ तैयारी चल रही है। अब इसमें पड़ेगा मक्खन और ये मेरा बन गया पनीर कस्टर्ड मैंने तैयार करके रखा हुआ है। और जल्दी जल्दी करो हमारे गेस्ट आ रहे हैं। बस वो आते ही होंगे, किसी भी समय आ सकते हैं। और जो आ रहे हैं ना वो गाना बहुत अच्छा गाते हैं, आपको एक गाना भी सुनवाया जाएगा हमेशा की तरह। कोई हमारे व्लॉग में और गाना ना गाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मुझे लगता है जिनका मुझे था इंतजार वो आ गए। वेलकम, कहाँ हो? वेलकम बच्चा, प्रणाम मेरा बेटा। वेलकम भाभी, भाई कहाँ हैं? अच्छा आ रहे हैं। वेलकम, आओ 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 आओ। तो फ्रेंड्स अन्नपूर्णा जी मुझे काम देके गई थी ये दाल मखनी के बारे में कुछ, कि मैं पूजा करने जा रही हूँ और जब तक ये दाल मखनी आप देखते रहे ना, मैंने इसे चिपका दिया नीचे। नीचे लग गई है सारी और लग रहा है जल भी गई है। मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा पानी डाल देता हूँ। मेरा हाथ भी जल गया, देखते हैं खा के ही पता चलेगा क्या क्या होता है। तो फ्रेंड्स हेयर शुभाकृति आरव को आप जानते हैं, वेलकम शुभाकृति। थैंक यू। और इधर हमारी भाभी, आप इनसे पहले भी मिल चुके हैं हमारे पुराने व्लॉग के अंदर, होममेड हैप्पीनेस विद मेघना वाला जो व्लॉग आपने देखा था। तो मेघना जी हमारे साथ बैठी हैं, हमारी भाभी हैं, भैया भी आने वाले हैं। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि भाभी आएंगे तो गाना जरूर सुनवाऊंगा मैं आपको, उनकी आवाज मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा गाना गाती हैं वो। आप भी तालियों से जोश बढ़ाइए उनका। डेडिकेशन हो जाएगा। ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है। ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है। ये मुलाकात एक बहाना है, ख्वाब तो कांच से भी नाजुक है, ख्वाब तो कांच से भी नाजुक है, टूटने से इन्हें बचाना है, टूटने से इन्हें बचाना है। प्यार का सिलसिला पुराना है, ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का बेहतरीन। तालियां भाई, तालियों में कंजूसी नहीं यार।
तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको भी मेघना जी का ये गीत बहुत पसंद आया होगा और इनके गीत की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। छोटी सी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मेरे दोस्त कोटद्वार से हमें देख रहे हैं, अगर कभी भी आपको केक का कोई ऑर्डर करना हो, केक की कोई भी ज़रूरत हो, तो आप मेघना जी को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर पहले भी दिया था, फिर से दे दूंगा, तो आप उन्हें कॉल कीजिएगा। होममेड हैप्पीनेस विद मेघना। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये ब्लॉग आप सबको बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों हमें लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ ताकि इतने टैलेंटेड लोग सबके सामने आ सकें। फिर मिलते हैं किसी नए जोश और नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय बद्रीशा।